नमस्कार, मैं हूं धीरज कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। फतेहपुर बिल्लौच में किया गया आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक राजेश नागर पहुंचे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंचनों को लेकर कहा, बल्लभगढ़ के पार्क के आसपास खुले में शराब पीने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गदपुरी टोल के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक गदपुरी टोल नहीं हटाया जाएगा, तब तक धरना चलता रहेगा। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के आढ़तियों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए किया धरना प्रदर्शन। चार में कार में बैठे दो युवकों पर फायरिंग, निंदाना के थे दोनों, दवा लेने के बाद लौट रहे थे घर। सोनीपत में नशा मुक्ति केंद्र में हुई थी मरीज की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर मिले चोट के 23 निशान, अब हत्या का मामला दर्ज। हिसार के शहाड़वा गांव में 50 फीट गहरे कुएं में दबे दो लोग, मामूली कहासुनी में हत्या। भिवानी में तीन दोस्तों को गाड़ी से कुचला, एक की मौके पर मौत, होटल में हुआ था विवाद। जापान रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, संबंध को करेंगे और मजबूत। पेट्रोल डीजल में वैट की कटौती पर चिदंबरम ने निर्मला सीतारमन पर साधा था निशाना। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर केसीआर हुए फिदा, बोले तेलंगाना में भी खोले जाएं दिल्ली जैसे मॉडल स्कूल। लुधियाना बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सामने आया आईएसआई कनेक्शन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने मानी हार, लेबर पार्टी के एंथनी अल्वानिश होंगे नए प्रधानमंत्री। दो हफ्ते बाद श्रीलंका से हटाया इमरजेंसी, कानूनी व्यवस्था में सुधार के चलते लिया फैसला। न्यूयॉर्क में नक्सली हमला, 10 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध की अमेरिका को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, मास्को के रक्षा बजट से ज्यादा की थी मदद। अधीर रंजन से दिल्ली पुलिस ने मांगी हैक डिवाइस, विवादित ट्वीट पर हुआ था बवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अरुणाचल और असम सीमा विवाद भी सुलझने के करीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफलिंपिक्स में शामिल भारतीय एथलीटों से की बात, दी शुभकामनाएं और ट्वीट कर शेयर की तस्वीरें। पटना के बुद्धा कॉलोनी घाट पर हादसा, नहाने के दौरान गंगा में 6 डूबे, 4 की मौत। बस स्टैंड पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला को प्रेमी के साथ देख आग बबूला हुआ पति, पुलिस ने शांत किया। खगड़िया में पेड़ से लटका युवक का सब बरामद, सबको कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मुंगेर में कुख्यात नक्सली मुकेश खैर गिरफ्तार, मुखिया परमानंद टुड्डू की हत्या में था संलिप्त। दिल्ली मुंबई आईपीएल के मैच में लगे आरसीबी के नारे, मुंह ताकते रहे ऋषभ पंत एंड फैंस। पहले आरसीबी का ही हिस्सा थे टीम डेविड, मुंबई की जीत के हीरो बन पूरी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया। विराट कोहली बोले, देश को T20 वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं, ब्रेक पर दिया बड़ा बयान। कांस रेड कारपेट पर गुत्थी का जलवा, पंख वाले गाउन में सुनील ग्रोवर को देख छूटी लोगों की हंसी। सार्वजनिक जगहों पर कपड़े के बैग के लिए तमिलनाडु में लगेगी मशीन, सामने आया वीडियो। पीएम के शब्दों को सुनकर अच्छा लगा, भारतीय भाषाओं पर उनके बयान के बाद बोले कीचा सुदीप। सलमान का बधाई वाला ट्वीट देखकर भावुक हुए विश्व चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन। हेल्थटेक स्टार्टअप एम्फाइन ने अपने 1000 कर्मचारियों में से 50% को नौकरी से निकाला। 45 दिनों तक बदलाव न होने के बाद देश भर में घटाए गए पेट्रोल व डीजल की कीमत, पेट्रोल गिरा 9.50 रुपए और डीजल 7.22 रुपए से बढ़कर 11 रुपए का हो गया पेनी स्टॉक। साल भर में निवेशकों के 1 लाख को बना दिया 53.90 लाख। टॉप 5 में से 3 कंपनियों का मार्केट कैंप 1.78 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा। अब तक के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज एनसीआर।